ढाबा स्टाइल रेसिपीज टेस्टी होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत आसान है। घर पे आप इसे आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल वही टेस्ट और फ्लेवर के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे सोया चंक्स करी बिल्कुल ढाबा स्टाइल तरीके से। इसमें एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है मैंने, जिसके कारण इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी और थिक बनती है। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके लिए मैंने एक कप सोया चंक्स लिया है। तो सबसे पहले इसे हम गर्म पानी में सोक करेंगे ताकि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए। तो लगभग 4 कप गर्म पानी ऐड कर दिया है मैंने। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किया है। अब सबको अच्छी तरह से पानी में इस तरह से डिप कर दीजिए ताकि अच्छी तरह से ये सोक हो जाए। और इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ये देखिए इस तरह से। इस बीच हम एक मसाला पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है, रफली चॉप कर लिया है इसे। इसके साथ ही 1/2 छोटी चम्मच जीरा ले लेंगे, 2 हरी इलायची, 1 लौंग, 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 कली लहसुन और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के। और इसके साथ ही ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारी गाढ़ी ग्रेवी तैयार होगी। तो एक ब्रेड स्लाइस लेना है आपको, वाइट कलर का होना चाहिए। तो जब हम मसाला पेस्ट बना रहे हैं उसी टाइम में इसे भी हम ऐड कर देंगे, और मसाला के साथ ही इसे भी अच्छी तरह से हमें पीस लेना है इसी स्टेज पर। तो पानी डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टमाटर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। और ये देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हो गया। और इस बीच हमने सोया चंक्स के पानी को बिल्कुल निचोड़ लिया इस तरह से, और ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक पैन गर्म किया मैंने और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल और गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम सोया चंक्स ऐड कर देंगे, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, ऊपर का लेयर सिर्फ क्रिस्पी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए इसे भूनिए, और इस प्रोसेस को करने में आपको हार्डली 5 से 6 मिनट का ही समय लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए ऊपर का पार्ट क्रिस्पी लग रहा होगा आपको। तो इस स्टेज पर इसे बाहर निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़े से कम तेल का इस्तेमाल किया है, ढाबा पे अक्सर इसे फ्राई कर लिया जाता है, तो अगर आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। अब सेम पैन में यहाँ पे 3 टेबल स्पून तेल ऐड किया है मैंने। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 तेज़पत्ता लिया मैंने छोटा सा है, और 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे। सबको अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर कि मसाले अच्छी तरह से चटक जाए तेल में और बहुत अच्छी खुशबू आने लगे। जैसे मसाला भुन जाए इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लगभग 1 कप के बराबर है। 2 बड़े साइज़ के प्याज को आप फाइनली चॉप कर लीजिए, और प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पे ही। तो बीच बीच में मिक्स करते हुए भूनिए, आप देखेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाला पेस्ट जो हमने पहले से बना के रखा था, और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद हम सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो लो फ्लेम पे इसे एक बार मिक्स कर लीजिए, उसके बाद सारे सूखे मसाले हम ऐड कर देंगे। सारे बेसिक मसाले हैं जो हम रेगुलर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ऐड किया है मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि हरी मिर्च को हमने ग्राइंड करके भी ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा तीखा ना हो इसकी वजह से। तो यहाँ पर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है, तेल पूरी तरह से ऊपर आ गया है। इसे अब लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए और भूनिए, और मसाले का टेक्सचर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, गाढ़ा है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है मसाले का, ये देखिए। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल पूरी तरह से अलग हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें सोया चंक्स जो हमने पहले से शेलो फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे, और मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है हमें क्योंकि मसाला ऑलरेडी तैयार है हमारा। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है। अब इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी की क्वांटिटी आप कितनी ग्रेवी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिए। तो यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है मैंने,
थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी इसकी। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे कवर कर देंगे लगभग 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के बीच। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुका है और आप सब्जी का टेक्सचर यहाँ पे देख सकते हैं, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो एक बार इसे मिक्स करते हैं। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर स्किप किया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इसमें हरी इलायची लौंग को पीस के ऐड किया था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मसालों का फ्लेवर ना आए इसके लिए मैंने स्किप कर दिया। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि धनिया पत्ते की खुशबू अच्छी सी आ जाए इसमें। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और इस टाइम पे आप इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देख ही सकते हैं, कितनी गाढ़ी और स्मूथ बनी हुई है। तो इस टिप को आप किसी भी ग्रेवी वाली रेसिपी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप आलू डाल के उस ग्रेवी को गाढ़ा ना करना चाहें तो मसाले के साथ एक वाइट ब्रेड स्लाइस को ऐड कर दीजिए और उसे अच्छी तरह से भून लीजिए मसालों के ही साथ। आप देखेंगे ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी स्मूथ और गाढ़ा आता है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस रेसिपी का इंग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।